मीडिया का क्या काम है? मीडिया तो इस देश के अंदर इतनी पागल हो चुकी है कि मोदी जी का अगर दो दिन पेट साफ ना हो ना तो उसको हेडलाइन दे दें कि देश के प्रधानमंत्री जी का दो दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है। या गठबंधन कर अगर सत्ता हाथ में आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ये स्टेटमेंट किसी और का नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। जी आपको एक बात खुले शब्दों में कहता हूं, आप इस बार तो विधायक जीत गए लेकिन महाराष्ट्र की जनता आपको अगली बार जीतने नहीं देगी। और आपके साथ जितने विधायक गए हैं ना तो इनको अगली बार टिकट मिलनी चाहिए और ना ही ऐसे लोग लोकतंत्र में रहने चाहिए। उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है और कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं गिरेगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी तो लोकतंत्र की हत्या होगी और अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा कि अगर नेता खरीद के ही विधायकों को अगर खरीद के ही आपको सरकार बनानी है तो देश के अंदर वोट क्यों डाला जाता है? इस सवाल का जवाब है कौन? एक स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है नूपुर शर्मा को। उसके बाद से सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है सरकार गिरने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन पर लोटस ऑपरेशन चला था। किस तरीके से आपने देखा कि किसी को बताते हैं कि हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के नाम से उसको जबरदस्ती ले गया। फिर कैलाश पाटिल अभी वापस आ गए हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और गंदी आदत है देश के लोकतंत्र की छज्जियां उड़ाना। ये जिनों का हिंदुत्व जाग रहा है, इसमें एक मुसलमान विधायक भी है जिनों का हिंदुत्व जाग दिया। सबसे पहले तो मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनका लोटस है, ये लोटस पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। और आप कह रहे हैं कि सरकार गिर गई है, अरे आप भारतीय जनता पार्टी की नजर से देख रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के टेलीविजन के कुछ चैनल्स ऐसे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास में प्रूफ है। और वो लोग क्या लिखते हैं देखिए, वो लोग लिखते हैं अपने चैनल पर एकनाथ बनेंगे नए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी रखकर वो पूरा अपना जो है जिसको आप लोग बोलते हैं कि थंबल बनाते हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की आड़ में इतना बुरा गिर चुके हैं कि इनको कुछ नहीं दिखता। और दूसरा, सरकार कैसे गिरेगी? भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी इनको लोटस ऑपरेशन चला था, किस तरीके से आपने देखा कि किसी को बताते हैं कि हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के नाम से उसको जबरदस्ती ले आया गया। फिर कैलाश पाटिल अभी वापस आ गए हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और गंदी आदत है देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना। ये जिन्हों का आज हिंदुत्व जाग रहा है, इसमें एक मुसलमान विधायक भी हैं जिन्हों का हिंदुत्व जाग गया। ये हिंदुत्ववादी विधायक आज इनका हिंदुत्व जाग रहा है, पिछले कुछ समय से इनका हिंदुत्व सोया हुआ था, आज इनका कोई हिंदुत्व नहीं जागा है। जागा है तो पता है क्या जागा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और गृह मंत्री हैं अमित शाह। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जिनको हमने समझा लीडर वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले सस्ते दामों पर किसी को एयर इंडिया बेचनी हो या खरीदनी हो, रेलवे, बीएसएनएल, एमटीएनएल, और नेताओं की खरीद फरोख के लिए, विधायकों की खरीद फरोख के लिए आप रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करें। मुंबई पुलिस एक स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ यहां पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है नूपुर शर्मा को। उसके बाद से सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है सरकार गिरने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और आप एक बात मुझे बताइए कि डेली ये जो रेडिशन होटल में, असम के रेडिशन होटल में जो विधायक ठहरे हुए हैं, ये डेली लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, ये खर्चा किसकी बाप की जेब से हो रहा है? जरा ये सवाल का जवाब देंगे हैं? ये नेता जो है, ये इनके पिताजी बाप दादा इस देश को पैसा देके गए हैं क्या? ये पैसा हम लोगों की टैक्स की कमाई का पैसा है जिसको आप वहां विधायकों की खरीद फरोख में उड़ा रहे हो। कभी सूरत में जाके उड़ाते हो, कभी असम के रेडिशन ब्लू होटल में आप जाके उड़ाते हो। अगर आपको इतनी ही चिंता है, और अब की बार मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहूंगा कि इन जैसे विधायकों को आप मुंह तोड़ जवाब दें। और बात रही उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है और सही ढंग से एक सेकुलरिज्म की परिभाषा दे रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रहे हैं, ना तो उनके राज्य में हिंदू को कोई खतरा है। और आज इनको पालघर की याद आ रही है, आपको पालघर की याद आज आ रही है या फिर बीजेपी में जाने की याद आ रही है? बीजेपी ने सारे इनके क्राइम कांड खोल दिए हैं। जिस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से इन लोगों ने सरकार बनाई थी तो उस टाइम पे इन्होंने खूब घोटाले करे, तभी तो मुस्लिम विधायक का भी जागा है ना, हिंदुत्व कितना हिंदुत्व जागा है। आप लोग कहां थे जब महाराष्ट्र से मार के भगाया गया था बिहार वालों को, यूपी वालों को? क्या वो हिंदू नहीं थे? तब आपका हिंदुत्व तो सोया हुआ था नेताजी, आज आपका हिंदुत्व तो जाग गया। पूरा देश उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है और कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं गिरेगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी तो लोकतंत्र की हत्या होगी और अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा कि अगर नेता खरीद के ही, विधायकों को अगर खरीद के ही आपको सरकार बनानी है तो देश के अंदर वोट क्यों डाला जाता है? इस सवाल का जवाब है कोर्ट। अगर कोई जाएगा इस देश से तो अकेले वो नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई नहीं जाने वाला। उद्धव ठाकरे बहुत जल्द वापस से अपने जो है वो सीएम हाउस में आने वाले, जस्ट वेट एंड वॉच। और महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सरकार को गिरा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस जो है वो पूर्णतः फेल हो गया है। अभी आपने देखा है कैलाश पाटिल भी वापस आ गए हैं, फिर उसके बाद ये एकनाथ शिंदे, ठीक है ना, ये एकनाथ शिंदे वो हैं जिन पर इतना भरोसा किया जाता था, पार्टी में इनको सारी जिम्मेदारियां दी जाती थी और यहां तक कि इनको शिवसेना ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाया था। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। आप एकनाथ शिंदे जी, आपको एक बात खुले शब्दों में कहता हूं,
आप इस बार तो विधायक जीत गए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता आपको अगली बार जीतने नहीं देगी। और आपके साथ जितने विधायक गए हैं, ना तो इनको अगली बार टिकट मिलनी चाहिए और ना ही ऐसे लोग लोकतंत्र में रहने चाहिए। माननीय वाजपेयी जी एक चीज लिखते हैं जो आज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। माननीय वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को राजनीति में लाने के लिए भी सख्त मना किया था, उनको हिदायत दी थी कि ये राजनीति के लिए ठीक आदमी नहीं है। तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि ऐसी सत्ता जो किसी से छीन कर ली गई हो, मेरे को ऐसी सत्ता हरगिज नहीं चाहिए। मैं बताता हूं अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहते हैं, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता के चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इनके कहने का अर्थ यह है कि जो सत्ता किसी से छीन कर ली गई हो, ये आपको बता दूं वो बोलते हैं अच्छे तो अच्छे, वाजपेयी का आप क्या करना इरादा रखते हैं, लेकिन पार्टी छोड़कर, पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके, तो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि पार्टी तोड़कर नया गठबंधन करके ऐसी सत्ता को मैं कभी चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं। आप देश के अंदर लोकतंत्र की लगातार हत्या करते हैं, लोकतंत्र की लगातार धज्जियां उड़ाते हैं। आप इस देश के अंदर यह बताइए ना कि आप वोट क्यों डलवाते हैं। आप कभी बिहार के अंदर सत्ता गिराने पहुंच जाते हैं, कभी आप मध्य प्रदेश में सत्ता गिराते हैं। मध्य प्रदेश में आपने सत्ता गिराई ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर। सिंधिया की प्रॉपर्टी का मसला जो है वो पूरा देश जानता है, छिपाइए मत देश से, पूरे देश को पता है। आप नेताओं की जो खरीद फरोख का धंधा चलाते हैं और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और रॉ का जो झांसा देकर उनको डराने का काम करते हैं। देश में एक लीडर को मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता हूं और वो है लालू प्रसाद यादव, जिसने सरकार की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, जिसने जेल जाना मंजूर समझा। एकनाथ शिंदे जो है, पहले मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण ही सुना दूं, देखिए। नया गठबंधन कर अगर सत्ता हाथ में आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। यह स्टेटमेंट किसी और का नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये शिवसेना की सरकार गिराने का काम कर रहे हैं लगातार। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व, फर्जी हिंदुत्व मॉडल को अगर कोई फेल कर सकता है तो एकमात्र इकलौता आदमी है और वो है माननीय उद्धव ठाकरे जी। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से इन्होंने मूकी खाई। अब इन्होंने, जब इनको दिखा कि भाई महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जो हैं वो तो लगातार हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चल रहे हैं, पूरा सेकुलरिज्म साथ है, महाराष्ट्र का हिंदू उनके साथ खड़ा होता है, महाराष्ट्र का मुसलमान उनके साथ खड़ा होता है, डरता कौन है? डरती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कि अगर महाराष्ट्र के अंदर इन लोगों ने इस तरीके से हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलते रहे और सरकार नहीं गिराई तो जल्दी ये पूरे देश से हमारा सफाया कर देंगे, जिस कारण ये लोग डरते हैं। दूसरी बात, अभी मैं आपको बता दूं कि नाना पटोले ने ये बोला कि जरूरत पड़ी तो एमवीए का बाहर से भी करेंगे समर्थन। हाँ। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बाहर से भी समर्थन करेंगे। और नाना पटोले ये बात को बोले हैं कि ना तो हमारे विधायक कहीं जा रहे हैं। दूसरी ओर शरद पवार ने भी बोला है कि इनको थोड़ा सा लगाम कसी जाए, मतलब इनको ढंग से ट्रीट किया जाए। ये बात बोल दी है, जिस कारण उद्धव ठाकरे का हौसला चार गुना बढ़ चुका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब एक बात समझ चुके हैं कि एनसीपी और कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके साथ नहीं, मतलब उनके साथ खड़ी है, और इसके अलावा जो एनसीपी है वो भी उनके साथ खड़ी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और एनसीपी दोनों उनके साथ खड़ी हुई है, तो इसलिए उनके हौसले अब बुलंद हैं। और आपसे ये बात किसने कह दी कि वहां पर सरकार गिर रही है? और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि गौतम अडानी भी जो है वो उद्धव ठाकरे के जो है वो उनके साथ आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे के, गौतम अडानी ने खुद बोला है, गौतम अडानी आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी करी और गौतम अडानी खुद उद्धव ठाकरे के साथ आए, उन्होंने कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, तो पूरा देश आज उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है और मैं खुद उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हूं, पूरा देश उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म की एक बहुत बड़ी परिभाषा दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सरकार इतनी अच्छी से चला रहे हैं, इकोनॉमी को अच्छे से बढ़ा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। और बात करी आपने, आज आपको बता देता हूं नरेंद्र मोदी जी की कुछ खूबियां, ये खूबियां हिटलर के अंदर पाई जाती हैं और ये खूबियां आपको मोदी जी के अंदर भी देखने को मिलेंगी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहली बात तो ये कि हिटलर एक धर्म विशेष के लोगों को दुश्मन मानता था। आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार हिंदू और मुस्लिम का पाठ पूरे देश को पढ़ाते हैं। कंपैरिजन नरेंद्र मोदी और हिटलर, अब आज देख लीजिएगा, सुन लीजिए, हिटलर के समर्थक उसकी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप भी देखते हैं अंधभक्त मोदी जी की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तीसरी बात, हिटलर ने बचपन में पेंट करने और रंग बेचने का काम किया था, मोदी जी ने तो बचपन में क्या क्या काम किया आप भी नहीं गिन सकते। बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, चाय बेची है, ठीक है ना, भीख भी मांगी है, पढ़ाई नहीं करी है, ये पढ़ाई का पता नहीं लेकिन डिग्री दिखाते हैं। चौथी बात सुनिए, सारे प्रचार के साधन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं हिटलर के काम में लगी हुई थी। और आज क्या हो रहा है देश में, सारी मीडियाएं, सारे पत्रकार, सारे अखबार नरेंद्र मोदी जी के काम में लगे जाते हैं। तो कंपैरिजन देखिए कि हिटलर के और कैसे इनके गुण मिलते हैं। हिटलर अपने विरोधियों को देशद्रोही कहता था,
नरेंद्र मोदी जी भी अपने विरोधियों को देशद्रोही कहते हैं। वो तमाम किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, उनको बोलते हैं आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। गृहमंत्री जी खुद कहते हैं कि ऐसा बटन दबाइए कि करंट सीधा शाहीनबाग में लगे। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं। हिटलर ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की थी, मोदी जी ने भी झूठ बोला। 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख का झांसा, 100 स्मार्ट सिटी, कुछ भी नहीं बना, ठीक है। हिटलर हमेशा मैं किया करता था, मोदी जी भी यही करते हैं, मैं हर जगह आपने देखा ही है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हिटलर को रेडियो पर भाषण देने का बहुत शौक था, बिल्कुल हिटलर। अरे बिल्कुल हिटलर है, हिटलर से कम है ये, ये हिटलर नहीं है, ये झूठलर है, ये लगातार झूठ बोलते हैं। और हिटलर, आपको एक खासियत बता दूं कि हिटलर जो है वो सत्ता में आया था विकास की बात को लेकर, यही काम मोदी जी ने किया। मोदी जी भी तो विकास की डोर लेकर आए थे कि देश के अंदर विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। क्या किया मोदी जी ने, आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी खामियां हैं जो हिटलर की जो नरेंद्र मोदी जी से मैच करती हैं। हिटलर ने सत्ता में आने के बाद समस्याओं को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि जर्मन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मोदी जी ने भी सत्ता में आने से पहले भाषण सुने होंगे, और आज उन्होंने पूरा भारत देश को बर्बाद कर दिया हिंदू मुस्लिम की आंख के चलते, तो पूरा तो पूरा। और जो आप बात कर लेते हैं, एक बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और हिटलर पूरे दोनों आपस में मैच करते हैं, तो ये देश के अंदर ऐसे लोग हैं। और दूसरी बात आपको एक बात बता दूं, मोदी जी से तो अगर आप पूछेंगे ना कि मोदी जी आपसे पूछे, आप मान लीजिए मोदी जी के पास पहुंच गए, तो मोदी जी अगर कोई नौजवान पहुंचता है तो उससे पूछ लिया मोदी जी ने कि भाई क्या बात है, तू परेशान क्यों है, तो वो बोलता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है। तो मोदी जी उसको कहते हैं कि तू दिन में 2 बार जय श्री राम बोल, 3 बार वंदे मातरम बोल, और उसके बाद जो मेरे विरोध में बोला उसको तू देशद्रोही बोल, देख तेरे को रोजगार की याद ही नहीं आएगी। तो ये काम मोदी जी करते हैं। और मीडिया क्या कर रही है इस देश के अंदर, वो मैं आपको बता दूं। मीडिया का क्या काम है, मीडिया तो इस देश के अंदर इतनी पागल हो चुकी है कि मोदी जी का अगर 2 दिन पेट साफ ना हो ना, तो उसको हेडलाइन दे दें कि देश के प्रधानमंत्री जी का 2 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है। इस तरीके की चाटुकारिता जो है वो मीडिया कर रही है। और आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पर, ये जो है टीवी रिपोर्टर के लिए ये पूरा एक, मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो डायलॉग है पूरा टीवी रिपोर्टर के लिए। टीवी रिपोर्टर ने एक जख्मी व्यक्ति से पूछा, जब बॉम्ब गिरा तो जोर से गिरा या धीमे से गिरा, तो गुस्से में आया हुआ व्यक्ति बोलता है कि नहीं साले, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और आके शर्मा कर मुझसे बोला बॉम। तो यही देश की मीडिया कर रही है। तो जिस तरह से टीवी मीडिया में खुशी का लहर है, अरे खुशी की सुन लीजिए, जो टीवी चैनल वाले थंबल की हेडलाइन बना रहे हैं ना कि महाराष्ट्र के अंदर अगले मुख्यमंत्री होंगे शिंदे, उनको मैं एक बात बता दूं कि आपका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, ठीक है ना। तो अब ये ड्रामा कहीं और जाके चलाएं, अब उसके बाद ये थोड़े दिन बाद ये चलाएंगे कि देखिएगा आप, अभी गोदी मीडिया तो ऐसे स्टैंड बदलती है, अब ये थोड़े दिन में पाकिस्तान चलाना शुरू कर देंगे, वापस से हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। तो महाराष्ट्र के अंदर कोई सरकार नहीं गिर रही है, महाराष्ट्र की सरकार स्टैंड के साथ खड़ी है, पूरा देश उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।